अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे चिकन चीज़ रोल्स। ये बहुत ही सिंपल इजी रेसिपी हैं, जल्दी से बन जाती हैं। लेकिन इसे बनाने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो इसके लिए हमें चाहिए 200 ग्राम जितना बोनलेस चिकन। इसमें मैंने 1 टीस्पून गार्लिक पेस्ट, जिंजर पेस्ट और चिली पेस्ट डालकर और 1 टीस्पून ऑयल डालकर मैंने इसको अच्छे से बॉईल कर लिया है। और हमें इसको श्रेड कर लेना है और इसमें जो मसाला था ये भी मैंने ले लिया है। और अब हम इसमें डालेंगे, यहाँ पर मैंने लिए थे 2 चीज़ क्यूब्स, इसको मैंने इस तरह से कट कर लिया। और 2 टेबल स्पून जितने बॉयल वेजिटेबल हैं ये मैंने कैरेट और पीस लिए हैं। और ये है छोटी साइज़ का शिमला मिर्च, इसको बॉयल नहीं करना है, इसको ऐसे ही कट कर लेना है। ये सारी चीज़ें हम इसमें डाल देंगे। और अब हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून पेपर पाउडर और मिक्स हर्ब्स, और नमक डालेंगे अपने टेस्ट के हिसाब से। अगर आपके पास मिक्स हर्ब्स नहीं हैं तो आप पिज़्ज़ा सीजनिंग या कोई और सीजनिंग, मैक्सिकन स्पाइस, कुछ भी अंदर डाल सकते हैं। तो ये हम इसमें डाल देंगे। अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप इसमें अपने पसंद से कोई भी वेजिटेबल डाल सकते हैं। तो अब ये मिक्स हो चुका है। यहाँ पर मैंने एक मीडियम साइज़ की ब्रेड ली थी, ये इसको मैंने इस तरह से इसकी साइड्स अलग कर लिए हैं। और ये फ्रेश लेनी है आपको। अगर आपके पास फ्रेश ना हो तो आप इसे डबल बॉयल में बस 5 मिनट के लिए रख दें तो ये सॉफ्ट हो जाएगी। इसे हम इस तरह से पानी में डिप करेंगे और एक्स्ट्रा पानी अंदर से निकाल लेंगे इस तरह से करते हुए। और अब हम ये फिलिंग इसमें रख देंगे, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा फीलिंग नहीं रखनी है। अब हम इसे इस तरह से बंद कर देंगे और खूब अच्छे से दबा कर हम इसका रोल तैयार कर लेंगे। ये इस तरह से इसको अच्छे से प्रेस करते हुए हमें रोल बनाना है ताकि एक्स्ट्रा पानी इसमें से निकल जाए। तो ये एक रोल जो है ये बंद कर बिल्कुल रेडी है, इसे साइड पर रख देंगे। तो इस तरह से हम सारे बना लेंगे। तो अगर आपको ब्रेड रोल्स जो हैं ये इस तरह से बनाने में अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो आप इसको पॉकेट के शेप में बना सकते हैं। तो उसके लिए आपको करना है कि ये जो ब्रेड है इसके साइड्स निकाल देने हैं और इसको बेलन से बेल लेना है और एक तरफ फीलिंग रख कर दूसरी साइड को फोल्ड कर देना है। तो इस तरह से करते हुए हम ये सारे चिकन चीज़ रोल्स बना लेंगे। ये बहुत ही मज़ेदार इजी रेसिपी है और इतनी ही टेस्टी। बाकी डिटेल्स के लिए आप प्लीज़ चेक कर लें डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो ये सारे बनकर रेडी हैं। अब हम इसे रेफ्रिजरेट करेंगे 10 से 15 मिनट के लिए, फ्रीज़र में रख देंगे इसको। तक हम ऑयल गरम कर लेते हैं। तेल जो है ये अच्छे से गरम हो चुका है, अब हम इसे फ्राई करेंगे। फ्लेम जो है ये आपको मीडियम रखनी है। तो मीडियम आंच पर मैंने इसको फ्राई कर लिया है। तो अब हम ये इसे निकाल देंगे, ये रेडी है। ये सारे बनकर रेडी हैं। इसे सर्व करेंगे किसी भी सॉस या चटनी के साथ। तो अगर आपको मेरी रेसिपी सच्ची लगती हो तो ट्राई कीजिए इसे और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और शेयर कीजिए मेरी वीडियोस अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ। जज़ाकअल्लाह खैर।